जानकारी का रुख कर लेते हैं। आपको बताएं, ओमिक्रॉन के खिलाफ हरियाणा सरकार सख्त हो गई है अब, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में ओमिक्रॉन की दहशत है, और वहीं फैसला सुनाते हुए अब नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बताएं, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा हरियाणा में। तो हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया है, लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी, बेवजह आवाजाही की भी इजाजत नहीं होगी। जी हाँ, जो लोग नए साल पर सेलिब्रेशन को देखते हुए कुछ तैयारियां कर रहे थे, उनकी तैयारियां फीकी पड़ सकती हैं। वैक्सीन ना लेने वालों की एंट्री अब फिलहाल बैन होगी, सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बैन होगी। तो जश्न की तैयारियां हैं वो फीकी पड़ सकती हैं। आपको बताएं कि सीएम ऑफिस ने भी इस पूरी जानकारी के मद्देनजर ट्वीट किया है, ओमिक्रॉन के खिलाफ फिलहाल हरियाणा सरकार सख्त हो गई है, आज से हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा हरियाणा में, लोगों के इकट्ठा होने पर भी हरियाणा में रोक रहेगी, बेवजह आवाजाही की भी इजाजत नहीं होगी। तो जो लोग बेवजह इकट्ठे होते थे वो अब फिलहाल नहीं हो सकेंगे। 1 जनवरी 2022 और भी सख्ती बढ़ाएगी। जी हां, नए साल के तरफ अगर हम बात करें तो हरियाणा सरकार और भी सख्ती कर देगी, सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बैन होगी। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनके लिए भी सार्वजनिक जगहों पर बैन रहेगा। सीएम ऑफिस ने ये जानकारी देते हुए ट्वीट किया है, ओमिक्रॉन के खिलाफ हरियाणा सरकार सख्त हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे ही देश में ओमिक्रॉन की दहशत है उसी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक हरियाणा में फिलहाल नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, आदेश जारी कर दिए गए हैं, बेवजह आवाजाही की भी हरियाणा में इजाजत नहीं होगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 1 जनवरी 2022 के बाद और भी सख्ती बढ़ाई जाएगी हरियाणा में, वैक्सीन ना लेने वालों की एंट्री बैन कर दी गई है। जी हां, सार्वजनिक जगहों पर चाहे बसेस हो, रेस्टोरेंट हो या फिर किसी भी जगह पर जाने की मनाही रहेगी अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो। वहीं सीएम ऑफिस ने ट्वीट करते हुए ये पूरी जानकारी दी है, ओमिक्रॉन के खिलाफ हरियाणा सरकार सख्त हो गई है। आपको बताएं, स्वास्थ्य विभाग भी अब फिलहाल सख्त हो गया है, आज से नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जी हां, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ज्यादा जानकारी के साथ गौरव जुड़ गए हैं मेरे साथ। गौरव, फिलहाल अगर बात ये की जाए कि यहां नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, क्या लग रहा है आपको कि लोग पालना करेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना के जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है नया, उसको लेकर सरकार लगातार सक्रिय हो रही है और इस तरीके का आदेश जारी कर रही है। ये हरियाणा में नहीं, ये यूपी में भी इस तरीके का आदेश जारी कर दिए गए हैं। और 11 रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच अगर कोई भी घूमता हुआ या आता जाता हुआ दिखाई देगा तो उस पर सक्रिय कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ये हरियाणा ही नहीं, दूसरे और राज्य वो लगातार इस तरीके के आदेश जारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ओमिक्रॉन जिस तरीके से धीरे धीरे पैर पसार रहा है हरियाणा में और आसपास के राज्यों में, तो कहीं ना कहीं ये लगना भी जरूरी था। तो अभी जैसे कि नए साल आने वाला है, ऐसे में लोग कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी सरकार की तरफ से यही आदेश जारी किए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हों, क्योंकि अभी तक करीब जिस तरीके से 4-5 केस हरियाणा में देखने को मिले हैं, यूपी में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं केस, उसको लेकर ये तमाम जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। जी गौरव, जिस तरीके से अभी न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लोग भी तैयारियां कर रहे हैं और ऐसे में कई पार्टीज भी ऑर्गेनाइजेशन होने वाली थी, लेकिन क्या हम मान लें कि यहां उनकी जो तैयारियां हैं वो फीकी पड़ जाएंगी? और ऐसे में ये भी जानकारी है कि जब नया साल होगा उसके बाद कुछ आदेश और जारी किए जा सकते हैं।
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से क्योंकि जान है तो जहान है, अगर जान ही नहीं रहेगी तो लोग सेलिब्रेशन कैसे कर पाएंगे। तो इसपे तमाम तरीके के रोक लगाए गए हैं फिलहाल के टाइम पे कि लोग इकट्ठा ना हो, इस तरीके से सेलिब्रेशन अभी ना करें क्योंकि ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा वेरियंट है जो लोगों में लगातार फैल रहा है और ये घातक सिद्ध हो सकता है, ये WHO का भी कहना है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि लगातार जिस तरीके से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है उस पर रोक के लिए लगातार सरकार तमाम तरह के कदम उठा रही है और लोगों से अपील कर रही है कि वो ऐसी जगह पे जहां पे इकट्ठा होने की संभावना है जैसे कि मॉल में पार्टी में ना जाएं और अपने घर में रहें जितना हो सके और जितना हो सके मास्क पहनें। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। जान है तो जहान है, बिल्कुल गौरव ने सही बात कही। आपको बताएं कि ये बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से, अब फिलहाल नाइट कर्फ्यू रहेगा हरियाणा में। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ साधना बोत्रा। चलिए सीधे बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। जिस तरीके से हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए कहा कि अब छुट्टी के दिन भी लोग वैक्सीनेशन की तरफ जा सकते हैं। जी हां, अब वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि ऐसे में छुट्टी के दिन भी अब वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये जो पूरी जानकारी है वो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी है। तो आपको बताएं, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी इसीलिए दी है क्योंकि जो लोग वैक्सीन लगवाने नहीं जा पाते थे वो लोग अब वैक्सीन लगवा सकते हैं छुट्टी के दिन भी। तो छुट्टी के दिन भी जो लोग फ्री होते हैं वो लोग अब वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। जी हां, ये जो जानकारी है वो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी है और ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। और ऐसे में ये भी जानकारी दी गई थी स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कि अब जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं वो वैक्सीन अब लगवा सकेंगे, लेकिन इस बीच जो लोग दो डोज नहीं लगवा पाए हैं उनकी सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बैन रहेगी। रेस्टोरेंट, हॉल, यानी कि जो लोग इकट्ठा होते थे उन पर भी अब मनाई कर दी गई है। वहीं अगर बात हरियाणा की हम कर ले तो हरियाणा में नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने ये ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये बड़ा फैसला सुनाया है ताकि लोग बिल्कुल सचेत रहें, सावधान रहें और सेफ रहें, क्योंकि यहां अगर जान है तो जहान है।
चलिए बढ़ते आगे। उधर फतेहाबाद में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा झोल देने को मिला है। ऐसे में बड़ा झोल क्या है, आपको पूरा मामला विस्तार से बताएंगे इस रिपोर्ट में, देखिए। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग का बड़ा झोल, मरे हुए लोगों को वैक्सीन लगाने की खुल गई पोल। मई में हुई मौत तो दिसंबर में कैसे लगा टीका। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग सरकार की इमेज को कर रहा है ठीका। फतेहाबाद के स्वास्थ्य विभाग का एक बड़ा क्रांतिकारी कारनामा सामने आया है। यहाँ 6 महीने पहले जो महिला परलोक सिधार गई थी, उसे स्वास्थ्य विभाग ने अपने आंकड़ों में फुल्ली वैक्सीनेटेड का मेडल सौंप दिया है। पूरा मामला फतेहाबाद के आजाद नगर इलाके का है, जहां एक मृत महिला का वैक्सीनेशन होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 80 साल की मृत महिला सजना देवी के बेटे बलवंत सिंह ने बताया कि उनकी माता को पहली डोज 16 अप्रैल को लगी और मई में 6 तारीख को उनका देहांत हो गया। अब कुछ दिन पहले उनके फोन पर मैसेज आया कि उनकी माँ को दूसरी डोज लगा दी गई है। वे मैसेज देखकर हैरान रह गए। क्या मैसेज आया अभी उसमें? वो दूसरी डोज के लिए भी दूसरी लग चुकी है। फिर तो उनकी डेथ कब हुई थी? तो 6-5 2000 यानी कि करीब 6 महीने पहले डेथ हो चुकी है। मान ले पहला इंजेक्शन लगाया था, उसके दिन बाद 6 महीने पहले डेथ हो चुकी। एक और हैरानीजनक बात ये है कि आंकड़ों के रिकॉर्ड में सीएमओ कार्यालय में वैक्सीन लगवाने की बात दिखाई गई है, जबकि हकीकत में सीएमओ कार्यालय में वैक्सीनेशन होता ही नहीं है। माना जा रहा है कि वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करने के चक्कर में ये सब किया गया है, लेकिन सीएमओ साहब इसे टेक्निकल फॉल्ट बता रहे हैं। तो हमने पड़ताल की है तो उसके ऊपर यह है कि किसी बंदे ने आके उसका फोन नंबर देके और अपने आप को वैक्सीनेट करवा लिया था और फोन नंबर किसी और का दिया गया था। अब ये एक टेक्निकल इशू है पोर्टल के अंदर जो है, उसके साथ अगर कोई अपना फोन नंबर देता है उसे हम ट्रैक करते हैं, उसके बाद उसको वैक्सीन लगा दिया जाता है। तो ये हिदायतें दी गई हैं कि जब भी आप फोन नंबर किसी का ऐड कर रहे हैं तो उसकी आईडी भी साथ में लीजिए, ताकि ये दोबारा से हरकत ना इस तरह की। स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलने वाला ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें वैक्सीन लगने का मैसेज लोगों के मोबाइल पर आता है, लेकिन इस बार तो मृत महिला को ही वैक्सीन लगा दी गई, जिससे फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में आ गया है। फतेहाबाद से साहिल की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते आगे और बात अब पानीपत की कर लेते हैं, जहां पानीपत में नया कोरोना केस आने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बताएं कि पानीपत में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिला है। 20 दिसंबर को व्यक्ति अमेरिका से पानीपत आया था, जिसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने व्यक्ति को सिविल अस्पताल में आइसोलेट किया। इसके साथ ही व्यक्ति की जीनोम सिक्वेंसिंग टेस्ट के लिए सैंपल लैब में भेज दिया गया है। वो यूएस से ट्रैवल करके आए हैं पानीपत में, पॉजिटिव आया उनका रिजल्ट, उसको सिम्टम हुई थी तभी उन्होंने टेस्ट कराया, फीवर की और खांसी जुकाम है, अभी माइल्ड सिम्टम्स है, ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है। उसको हम हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं और उसका सैंपल हम जीनोमिक सर्वेलेंस के लिए दिल्ली लेंगे। सैंपल तो हमने लेंगे, कॉन्टैक्ट के सभी के लेंगे, जो भी अगर पॉजिटिव आता है घर में सबके सैंपल लेंगे। चलिए बात अब बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर कर लेते हैं। दरअसल शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक तरफ जहां 134A के तहत बच्चों को दाखिला नहीं मिल पा रहा, तो वहीं दूसरी ओर अभिभावक और बच्चे काफी ज्यादा परेशान हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर पूरा मामला क्या है।
धरना दे रहे इन बच्चों का संघर्ष किसी का भी दिल पिघला सकता है। ये मासूम अपने उज्जवल भविष्य के लिए खुद सड़कों पर उतर आए, जो शिक्षा व्यवस्था का आईना दिखा रहा है। जी हाँ, ये मासूम स्कूलों में एडमिशन के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं, लेकिन स्कूल संचालकों का दिल नहीं पसीज रहा। नियम 134A के तहत इन बच्चों का एडमिशन निजी स्कूलों में होना है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के संचालकों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। उनका कहना है कि 7 सालों से उन्हें सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं मिला, इसलिए 134A के तहत गरीब बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं देने का फैसला किया है। स्कूलों का कहना है कि कोरोना महामारी ने पहले ही उनकी कमर तोड़ रखी है और अब सरकार का ऐसा रवैया और परेशानी बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी ओर गरीब अभिभावक निजी स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करवाने के लिए स्कूल दर स्कूल भटक रहे हैं। वे बच्चों के भविष्य के लिए परेशान हैं और अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। साथ ही सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनके बच्चों को समय पर दाखिला दिया जाए, लेकिन सरकार और निजी स्कूलों के बीच की लड़ाई में गरीब बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। देखिएगा, नियम 134 ये है जो गरीब परिवारों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में नियम है, परंतु जो निजी स्कूल हैं वो इन बच्चों को दाखला देने से मना कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि गरीब और अमीर के बच्चे एक साथ पढ़े, और ये बहाना बना रहे हैं कि हमें 7 साल से फीस रिफ्रेशमेंट नहीं मिला है, जो वो गलत है। सरकार अब भी कह रही है कि जो भी जिन स्कूलों का खर्चा है वो अपना हमें से आके ले, परंतु ये जानबूझ के एक मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं और इन बच्चों को दाखला नहीं दे रहे। ये 16-12 तारीख को नियम 134 के तहत बच्चों को स्कूल अलॉट हो चुके हैं, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा हो गया पेरेंट्स जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं तो इनको आनाकानी करके चक्कर कटवा रहे हैं। स्कूल वालों ने मना कर दिया है। स्कूल वाले की शिकायत करने के लिए जब पेरेंट्स शिक्षा विभाग में जाते हैं तो शिक्षा विभाग वाले कहते हैं कि भाई पहले हमें स्कूल की तरफ से लिखित में लिखवा के लाओ कि वो एडमिशन नहीं दे रहे हैं। तो जब स्कूल वालों के पास दोबारा पेरेंट्स जाता है तो स्कूल वाले लिखित में देने से मना कर देते हैं। सरकार प्राइवेट स्कूलों को हमें लगता है समाज का हिस्सा ही नहीं मानती। जब से कोरोना आया, पिछला ये दूसरा सत्र जाने को है, तो सरकार की तरफ से राहत की तो आज तक कोई बात आई नहीं। अब दिसंबर चल रहा है, इस सरकार से कोई पूछने वाला हो कि जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा है वो 2 महीने के लिए नए स्कूल की वर्दी खरीदेगा? क्या ये नए सत्र शुरू होने तक इंतजार नहीं की जा सकती थी? सरकार को चाहिए ताड़ी और जेब से कुछ देना नहीं चाहती। हमारा पड़ोसी स्टेट है राजस्थान, RTE के तहत 1500 से 2500 रुपये पर बच्चा प्रतिपूर्ति राशि देते हैं और यहाँ देते हैं 300 से 500, और वो भी 7 साल हो गए, 1 साल दिए। कभी तो खाता नंबर मांग लेते हैं, कभी खाते नंबर की वेरिफिकेशन मांग लेते हैं, पैसे देने की इनकी नीयत नहीं है। सरकार और प्राइवेट स्कूलों के बीच टकराव के कारण इन मासूम बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। निजी स्कूलों को नोटिस देने और निदेशालय को दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों की सूची भेजने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं इसे लेकर शिक्षा निदेशालय ने 134A के तहत दाखिला लेने से वंचित रहने वाले बच्चों को बड़ी राहत दी है। शिक्षा निदेशालय ने अब दाखिले की तारीख बढ़ा दी है, यानी अब तक जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया था वो 31 दिसंबर तक अपना दाखिला करवा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि तारीख बढ़ाने के बाद भी निजी स्कूल संचालक बच्चों को एडमिशन देंगे या नहीं, या फिर सरकार और प्राइवेट स्कूलों की लड़ाई में इनका भविष्य फिर से खतरे में पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में